क्या आपको पता है कि केजीएफ का ये सीन कुछ ऐसे शूट हुआ था और आरआर का ये सीन कुछ ऐसे शूट हुआ है और उसके साथ साथ पुष्पा की ये सीन जो आपको याद ही रहेगी वो कुछ ऐसी शूट हुई थी जिन्हें वीएफएक्स में यूज करके कुछ ऐसे बनाया गया है। दोस्तों आप सोच सकते हो कि क्रिस 3 और रोबोट 2.0 कैसे शूट हुएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन मूवीज के वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको पता चलेगा कि वो रियल है या फेक है। गाइस इंडिया में हॉलीवुड जैसे वीएफएक्स लाने का पूरा क्रेडिट साउथ इंडियन मूवी पे जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में पुष्पा जैसे सिंपल मूवी में भर भर के वीएफएक्स यूज किया गया। जी हां दोस्तों, सबसे पहली मूवी की आज हम बात करेंगे वो है पुष्पा। एग्जांपल के लिए आप ये फॉरेस्ट का सीन ही देख लो, जब पुलिस वाले पुष्पा को अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो इन्होंने कैसे पीछे के पूरे घर को हटाकर कैसे फॉरेस्ट लाया है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको एकदम फॉरेस्ट का फील आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स का ही कमाल है। और उसके साथ साथ ये डैम का सीन ही और फॉरेस्ट ही क्यों, यहाँ जो लाल चंदन की लकड़ियों को यूज किया गया है वो भी पूरा वीएफएक्स में ही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन की लकड़ियाँ थोड़ी बहुत ही रियल थी, रियल का मतलब थर्माकोल से, और बाकी सबको इन्होंने वीएफएक्स ही यूज करके बनाया है। तो दोस्तों आपके दिमाग को पूरा हैक करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रक वाला सीन था ये पूरी की पूरी तरह फेक था। आपने ये सीन में देखा होगा कि ट्रक एक कुएं में जाके गिरती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उस समय ये ट्रक कुएं में नहीं गिरा था। दोस्तों इस सीन को पूरा क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा हेल्प लिया गया था लाइडर टेक्नोलॉजी का, जो कि अभी आप आईफोन में भी देख सकते हो। और दोस्तों वीएफएक्स के हेल्प से ट्रक को तो पानी में गिरा दिया गया था और जब ट्रक का मॉडल तैयार हो चुका था तो अल्लू अर्जुन को एक कार्डबोर्ड के ट्रक से गिराया गया था। क्या हो दोस्तों, ये क्लिप देख के और ये बातें सुन के तो आपके पूरे दिमाग को हिला दिया होगा। और दोस्तों उसके साथ साथ ये भी बता दूं, आपने अगर एयरपोर्ट का सीन देखा होगा तो वो एयरपोर्ट कभी भी रियल नहीं होता, सिर्फ उसकी सीढ़ियां रियल होती हैं। वहां पर भी इन्होंने वीएफएक्स का यूज किया है और आपको रियल दिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कभी कभी दो एक्टर एक साथ एक सेट में नहीं हो सकते, तो दोस्तों उसको भी एक वीएफएक्स के यूज से उनको साथ में लाया जाता है। बात कर लेते हैं 2022 की सबसे फेमस फिल्म RRR के ऊपर। दोस्तों ये नाम सुनके तो आप सोचते होगे कि इसमें क्या वीएफएक्स यूज हुआ होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वीएफएक्स यूज किया गया है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो इस मूवी के 90% सीन सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स के तौर पे यूज किया गया है और बचे 10% रियल है। दोस्तों आपने हर मूवी के वीएफएक्स को अगर देखा होगा तो उसमें ग्रीन स्क्रीन को यूज किया जाता है, लेकिन इस मूवी में ज्यादातर ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया था क्योंकि इस मूवी में ज्यादातर हमको पेड़ और पौधे को दिखाना था, इसीलिए इन्होंने ब्लू स्क्रीन का ज्यादातर यूज किया था। और साथ ही अगर आप रामचरण के ये दोनों क्लिप को देखोगे तो इसमें बिफोर और एडिट होकर आफ्टर का भी आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने वीएफएक्स के यूज से ब्रिटिश को कैसे मारा था। तो दोस्तों अब आरआर के बाद हम बात कर लेते हैं हमारी सबसे फेवरेट फिल्म केजीएफ के बारे में, जो कि 100 करोड़ में तो बन के तैयार हुई थी और उसके साथ साथ 1200 करोड़ कमाई थी। दोस्तों अगर हम लोग इसके वीएफएक्स को एक साइड में रखें, दोस्तों इस मूवी में ओरिजिनल सीन को काफी ज्यादा वैल्यू दिया गया है, इसीलिए ये मूवी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा फेमस हुई है। और दोस्तों इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग इसके रियल लोकेशन पे ही की गई थी, यानी कि केजीएफ के ये वाले जगह पे, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सीन थे जिसको हैदराबाद में रिक्रिएट किया गया था। जस्ट एग्जांपल ये पार्लियामेंट का सीन, क्योंकि इस सीन को हम लोग वीएफएक्स में दिखाते तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाता, इसीलिए इन्होंने ये सीन को रियल दिखाने के लिए एकदम रियल शूटिंग की थी। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में ये घुसने वाला सीन तो आपने देखा ही होगा, इसे तो पब्लिक ट्रेलर में ही देख के एकदम शॉक हो गई थी। और उसके साथ साथ वो जो मस्टैंग का यूज किया गया था वो भी रियल दिखाया गया था। दोस्तों इस मूवी में ज्यादातर वीएफएक्स का यूज हुआ है, लेकिन ज्यादातर इसको कम करने की कोशिश बहुत किया गया है, और मैं यही मानता हूँ कि इस मूवी का कामयाब होने का कारण यही है। दोस्तों अब हमने इंडियन मूवी की बात की, अब हम बात कर लेते हैं हमारी बाहर की मूवी के, मतलब अवतार के बारे में। और दोस्तों आप ये सुन के हैरान हो जाओगे, इसकी सिर्फ 1 मिनट की फुटेज 17 GB की थी। और दोस्तों ये बात आज की नहीं, ये बात 2009 की है जब ये मूवी रिलीज हुई थी, और इसका दोस्तों दूसरा पार्ट अभी अभी 2022 में आया है। लेकिन दोस्तों हम इस मूवी के पार्ट 1 की बात करेंगे, जो कि 1900 करोड़ में बनाई गई थी और इसकी कमाई 19000 करोड़ की थी। और दोस्तों एवेंजर एंडगेम आने से पहले 10 सालों तक ये पूरा राज किया था सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। और दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस मूवी में 90% वीएफएक्स नहीं, पूरे के 100% वीएफएक्स यूज किए गए। दोस्तों इस मूवी यानी कि अवतार को बनाने में एक टेक्निक का यूज किया गया था। दोस्तों इस मूवी को बाकी मूवी से काफी ज्यादा अलग बनाती है और उसका सीधा क्रेडिट जाएगा ये वीएफएक्स हेलमेट के वजह से। दोस्तों इस हेलमेट को एक फेस एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया था, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम ऐसी मूवी की बात करते हैं जिसका नाम सुनकर हमें सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है एमएस धोनी। दोस्तों इस सीन में ग्रीन स्क्रीन का काफी ज्यादा यूज किया गया है और उसके साथ साथ रियल दिखाने के लिए बहुत छोटी छोटी जगह पे यूज किया है इस ग्रीन स्क्रीन। दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं होता तो ये मूवी बनना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस मूवी में रियल दिखाने के लिए काफी ज्यादा ग्रीन स्क्रीन यूज किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका दिमाग हिलाने वाला ये सीन दिखाता हूँ। दोस्तों आप इस लड़के को पहचानते होंगे? जी नहीं, आप इस लड़के को बिल्कुल नहीं पहचानते हो, लेकिन अब तो आप इन्हें पहचानते ही होंगे। दोस्तों इस समय इस लड़के के चेहरे पे देखे रहोगे तो एक ग्रीन कलर का कुछ लगाया गया है। इसी स्टिकर से फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा बदला गया था। दोस्तों उस समय सुशांत सिंह राजपूत को 16 साल की उम्र का दिखाना था, इसीलिए उस छोटे बच्चे को लेके उसके चेहरे पे ये स्टिकर लगाया गया।
गया था और उसके बाद आप देख सकते हो कैसे वहाँ पर चेहरे बदले गए। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस बायोपिक को अक्षय कुमार जी करने चाहते थे और चाहते थे सुशांत धोनी का 17 साल की उम्र का कास्ट करे। उनका फर्स्ट और लास्ट चॉइस सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही थे। अब दोस्तों सबसे खतरनाक बिहाइंड द सीन आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर ये 2005 का सीन आप देख सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस मूवी को रियल दिखाने के लिए उस मैच के असली फोटोज को लिया गया था, पर हर सीन में MS धोनी के जगह पे सुशांत सिंह राजपूत का फेस लगाया गया था। दोस्तों आप इस सीन को देख सकते हो कि कैसे इन्हें ग्रीन स्क्रीन पे काम कराया गया और सबसे मुश्किल काम बॉल और बैट का मिलाव कैसे किया गया। दोस्तों इस मूवी को 106 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस मूवी में 216 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं इस मूवी को रियल बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी के साथ कई दिनों तक साथ में थे ताकि वो धोनी सर के चलने का स्टाइल और बात करने का स्टाइल सब कुछ कॉपी कर सके। और धोनी सर आज भी बताते हैं कि वो उस समय इनके साथ काफी ज्यादा एंजॉय किए थे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा सवाल पूछते थे कि आप हेयर स्टाइल कैसे रखते हो, आप यहाँ क्या करते हो, आप वहाँ क्या करते हो और ऐसे कई सारे सवाल थे। तो दोस्तों आपको कुछ यादें दिलाने के लिए आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर वाला क्लिप मूवी का क्लिप है और इसके नीचे वाला क्लिप एक ओरिजिनल क्लिप है जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इसे कैसे एडिट किया गया है। तो दोस्तों अब हम उस मूवी के बारे में बात करते हैं जिसके 3 पार्ट को सीधा सीधा डिज्नी हॉटस्टार ने खरीद लिया है। हाँ दोस्तों इस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। और दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस मूवी को बनने के लिए 11 साल लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी पहले की आर्टवर्क कुछ ऐसे थे और सालों साल बीतते बीतते इसके लास्ट में आर्टवर्क ऐसे हो गए। तो इसके जो तलवार वाली सीन थी वो कुछ ऐसे शूट हुई थी और जो आपने वो आग फेंकने वाला सीन देखा होगा उसे कुछ ऐसे बनाया गया है। और इस सीन में काफी ज्यादा लाइट का भी यूज किया गया है क्योंकि ये बॉडी साइन के लिए यूज कर सके। और आपने वो लास्ट वाला सीन देखा होगा जहाँ पर रणवीर सिंह आग को अब्सॉर्ब कर रहे थे उसे कुछ ऐसे शूट किया गया था जहाँ पर ब्लू स्क्रीन का काफी ज्यादा यूज किया गया था। और उसके साथ साथ अगर आपने ये वाला सीन देखा होगा जहाँ पर ये कार चेस करने वाला सीन था वहाँ पर भी VFX का यूज काफी ज्यादा किया गया था। दोस्तों अगर मैं आपको उसके कुछ क्लिप दिखाऊं तो वो ऐसे शूट हुए थे जहाँ पर ना तो कोई पहाड़ था ना तो कोई हाईवे था, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन था। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रोबोट 2.0 के बारे में। तो दोस्तों आपने ये ट्रक वाला सीन तो देखा ही होगा जिसमें काफी सारे मोबाइल थे और इस ट्रक को फट के ये मोबाइल जो उड़ गए थे ये सीन के बारे में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और उस सीन को कुछ ऐसे शूट किया गया था जहाँ पर काफी सारा क्राउड था। और दोस्तों इस बिल्डिंग वाले सीन को तो आपने याद ही रखा होगा जहाँ पर पक्षी राजा आता है और उन बिल्डिंग में कुछ लोगों को पकड़ के वो ऐसे छोड़ देता है, तो उसके बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि चिट्टी कैसे बिल्डिंगों में ऐसे चलते हैं तो उसको कुछ ऐसे तैयार किया गया था। दोस्तों अगर बात करें क्रिएटर के बारे में तो वो जो भी चाहे वो दिखा सकते हैं, जैसे कि ये टैंक वाला सीन था यहाँ पर भी ग्रीन स्क्रीन का काफी ज्यादा यूज किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपका क्या मन बदला है आने वाले मूवीज के ऊपर ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि इन सारे मूवी में ज्यादातर VFX का ही यूज किया गया है। दोस्तों इन सारे मूवीज को देखकर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि VFX का कमाल है बाबू भैया, VFX का कमाल है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पर आपको जानने मिला आपके कुछ फेवरेट मूवी जिसमें कितने सारे VFX यूज किए गए। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो देखने के बाद आप उस मूवी को जरूर देखना क्योंकि तभी आपको मजा आएगा और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि इस जगह पे VFX यूज किया गया है और आप कई जगह ये चीज क्लियरिफाई कर लोगे कि ये जगह